सरकारें आई और चली गईं, वादे उम्मीदें जनता की दबी रह गईं। ऐसा ही एक वाका कश्मीर के जिला गांदरबल का है, जहां पर चार दशकों से बायल पुल अपनी दुर्दशा को रो रहा है। साल 1988 में तब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये पुल अभी भी सिंगल लेन है। एक समय में एक तरफ से ही गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है। तब से लेकर आज तक गांदरबल के लोगों ने सरकारों के आगे गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज बंद कानों तक नहीं पहुंच सकी। और हर समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एनसी गठबंधन और हाल ही में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकारों द्वारा उन्हें आश्वासन और मीठी गोली के सिवा कुछ नहीं दिया गया। लोगों की मांग थी और है, इस नाले का अगर इन लोगों को पुल उठाना था, इनको क्यों नहीं बोल दिया यहाँ लिफ्ट बनाना पहले, क्योंकि यह रोड सोनामर्ग तक जाता है, ले तक जाता है, यहाँ कुछ लिफ्ट होना चाहिए। जब तक ये लोग ये पैदल लोग लिफ्ट से और हो जाए थे कि सिंगल लेन ब्रिज की जगह डबल लेन कंक्रीट पुल बनाया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस पुल से हजारों की तादाद में टूरिस्ट, यात्री, आम लोग रोज सफर करते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई मुसीबतों का उन लोगों को सामना भी करना पड़ता है, खासकर नदी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को। इस पुल को सिर्फ रिपेयर किया जाता है और राहगीरों के लिए कोई फुटपाथ भी नहीं बनाया गया है। उम्मीद है कि गांदरबल के लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे। गांदरबल से जुनैद भट्ट की रिपोर्ट। इसका इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि हमें अगर यहाँ बाइल से मनीगाम जाना है, ये तो आधा किलोमीटर है, तो हमें गांदरबल से जाके लार से जाके 20 किलोमीटर तय करना है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि चलो यहाँ कोई फुटब्रिज, यहाँ थोड़ा सा कोई बराई शराई करके लोगों को चलो पैदल ही पार करने की कोई मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पर पूरी परेशानियाँ देखो, ये दरिया में यहाँ पर थोड़ा पुल लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नजदीक पब्लिक यहाँ पर चलते हैं उनको थोड़ा आराम आएंगे। यहाँ पर पूरा यहाँ पर परेशानी देखो, औरत कैसे पानी में डूबते हैं यहाँ पर। मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आज गवर्नर राज है, 10 मिनट में ये काम ठीक जाएगा। यहाँ पर ये आम पब्लिक है, यहाँ सर्दी आ जाए, यहाँ पर सर्दी है, बहुत लोग मर जाएंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर पानी में कैसे ये औरत, ये बुजुर्ग कैसे मरते हैं यहाँ पर। चंद दिनों में ये थोड़ा डोजर लगा, इसमें ये पब्लिक जाएगी इसमें आराम से। हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से आ रहे हैं, जा रहे हैं दुर्सन ताजीब पर। बहुत प्रॉब्लम है, काम चल रहा है, इसका दस्ती करना चाहिए और कोई मुबादला इसका रास्ता यहाँ तलाश करना चाहिए, जिसके ज़रिए हमें लोगों को यहाँ दुर्सन वगैरह जाने आने के लिए रास्ता मिल जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग पानी से चल रहे हैं, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर वो मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की, अगर वो यहाँ इसका मुबादला कोई आप पूरे यहाँ लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वादी में इस टाइम जो ब्रिज का काम लगा है, कल शाम को 8 बजे का इसका मैसेज आया था कि कल ये ब्रिज बन रहेगा। आज आप देख रहे हो कि हमारे ब्रिज बंद होने से कितने मुसाफिर को कितना पानी से कितने तैरने का बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ कितने भी बुजुर्ग अभी पानी से तैर रहे थे, बड़ा मुश्किल हुआ, 2-3 बुजुर्ग गिर गए जिनको चोट भी आई है। और यहाँ अभी -5 डिग्री चल रहा है, जिसमें लोगों को बड़ी नुकसान हो रहा है। बहुत बुजुर्ग इसमें ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल कंगन के लिए जाना था, उनको भी आज यहाँ रोका गया, वो पानी में गिरे, उनको वापस कर दिया पुलिस ने। माना नहीं कि यहाँ से डीसी साहब का अलाउड नहीं, अभी पुल को खोला के रखा है, पुल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको डेट दिया है 15 दिन के बाद ये पुल ठीक होगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूर एक इस पानी के लिए सोचना था, जितने हवाम यहाँ से बच्चे स्कूल के मनीगाम जाने वाले उनको भी यहाँ बंद कर दिया है, उनको भी नहीं छोड़ देते, लेकिन वो मजबूरी से पानी में जा रहे हैं। अभी बहुत अजाब हो रहा है हमारे यहाँ बुजुर्गों को भी और स्कूल के बच्चों को भी, यहाँ के पब्लिक को भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पब्लिक के लिए ठीक बात है, मगर उनको एटलीस्ट 10 दिन पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए फलाने डेट से ये ऐसा करना है। और अगर कुछ करना था इनको, गवर्नमेंट के लिए इतना प्लान है इनके लिए, तो फूड भी रखना था, कुछ करना था पहले इनके लिए पब्लिक के लिए, क्योंकि ये गांदरबल एक कंगन एरिया पूरा कट हो गया गांदरबल से, इतने लोग सफ़र कर रहे थे। और उस साइड में आपने देखी थी दो तीन प्रेगनेंट लेडीज़ भी थे, वो बेचारे क्या करें, वो कैसे जाएंगे, उनको हॉस्पिटल एमरजेंसी जाना था, उनको बोल रहा था पहले आप कहाँ क्या करो, पहले आप नीचे गांदरबल जाओ, वो उस साइड से बोर्ड था साइड से, फिर वो कब पूछेगा हॉस्पिटल। अगर करना था इनको रात शाम को, मैंने देखा था 8 बजे इनको कन्फर्मेशन दिया था कि कल से हमें ये करना था, ठीक करना था तो 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना था पब्लिक को ऐसा करना है। देखिए आज इतनी ठंड है यहाँ पे कि
कि पैर फिसल रही थी जब बंदा चल रहा था, आपने खुद भी देखा था यहाँ पे कितनी दो मैंने एक एक बंदे को भी देखा था, उसके पैर फिसल गया, वो नीचे गया सीधे पानी में गया, हमारे पैर भी काम नहीं कर रहा है अल्लाह पाक की कसम, इतनी ठंड है, इतनी ठंड पानी है। आज पता है कश्मीर में कितनी सर्दी है, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जनरल पब्लिक को। किसी को बेचारे को ड्यूटी पूछ रहा था, उनके ड्यूटी पूछ रहा था, मेरा टाइम था 10:30, अभी तो 11:30 बज गई, मैं अभी ये भी